हेलो फ्रेंड्स, सरताज क्रिएशंस पे आपका स्वागत है। ये देखिए, आज मैं आपके लिए कार्डिगन और जैकेट्स के लिए इतना सुंदर सा जाली का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसको आप बेबी फ्रॉक पर भी डाल सकते हैं। ये देखिए, बहुत सुंदर डिज़ाइन है। ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है, ये राइट साइड और ये इसकी रॉन्ग साइड। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले उल्टी तरफ से ये डिज़ाइन स्टार्ट होगा। आप अपने प्रोजेक्ट पे बॉर्डर जो भी बनाना है वो बनाइए, उसके बाद ये डिज़ाइन स्टार्ट कीजिए। और जैसे कि मैंने नीचे से ये स्टार्ट किया था, वैसे ही आप बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ से, जैसे मैं अभी बताने जा रही हूँ, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे अपने पैटर्न पर। ये 11 11 के मल्टीपल फंदे आपने लेने हैं और 2+। सॉरी, 11 के मल्टीपल फंदे लें और उसके बाद आप 4 फंदे इसमें एक्स्ट्रा लें, 4 फंदे एक्स्ट्रा। और ये देखिए, मैंने यहाँ 37 ये फंदे लिए हुए हैं। इस प्रोजेक्ट पे मैं आपको ये डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। फर्स्ट सिलाई हमारी जो होगी, फर्स्ट रो, वो उल्टी साइड से होगी। उसी तरीके से आप इसको अपने पैटर्न पर स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले ये वाला फंदा ऐसे ही लेंगे, उसके बाद फर्स्ट सिलाई है रॉन्ग साइड, उल्टी तरफ से पहली सिलाई, एक फंदा ऐसे ही स्किप किया, दूसरा सीधा बनाया, फिर ये एक दो दो फंदे हमने सीधे बनाए, धागा अपनी साइड करेंगे, और 4 फंदे हमने उल्टे में बनाने हैं, 1 2 3 4, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, फिर 4 फंदे, 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे, अब 2 फंदे सीधे लेंगे, 1 2, धागा अपनी साइड, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी साइड, 4 फंदे, 1 2 3 4, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, 4 फंदे, 1 2 3 4, उल्टे, धागा पीछे, फिर लास्ट में ये आ जाते हैं हमारे 2 सीधे और एक ये लास्ट का फंदा आगे धागा करके इस तरह से उल्टा बना लेंगे। अब आते हैं अपनी सेकंड रो पर। सेकेंड रो सीधी साइड, ये देखिए, इसको हमने क्या करना है, फर्स्ट फंदा ऐसे ही लेंगे, उसके बाद 2 फंदे उल्टे आएंगे, जो उधर सीधे थे वो यहाँ उल्टे हो जाएंगे, 1 2, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2, अब इन दोनों फंदों को एक साथ 2 का 1 बना देंगे, फिर धागा एक बार ऐसे लाए और फिर सिलाई पर से इस तरह से लिया और एक फंदा उल्टा बनाएंगे। अब इन 2 फंदों का 2 का 1 बनाना है तो क्या करना है, ये धागा ऐसे लाएंगे सिलाई पर से, जिससे कि यहाँ पर दोनों तरफ जाली आ जाए। अब ये वाला फंदा हम इस तरह से निकालेंगे और पलटेंगे और इन 2 फंदों का, देखिए, 2 फंदों का 1 फंदा सीधा बना लेंगे। अब 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2, धागा अपनी साइड करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2। अब इन दोनों फंदों को इस तरह से 2 का
एक बना देंगे। फिर धागा इस तरह से सिलाई पर से लाएंगे और एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। अब इन दोनों फंदों को इकट्ठा बनाना है तो धागा ऐसे लाएंगे सिलाई पर से और इस फंदे को इस तरह से पलटेंगे और दो फंदों का एक फंदा बना देंगे। अब आगे के दो फंदे ये सीधे बनाएंगे। फिर धागा अपनी साइड करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर दो फंदे सीधे बनाएंगे। अब इन दो फंदों को दो का एक सीधे में बनाएंगे। फिर धागा सिलाई पर से इस तरह से लेंगे और एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। अब धागा ऐसे लेंगे सिलाई पर से। अब इन दोनों फंदों का पलट करके दो का एक बनाएंगे। अब दो फंदे आगे के सीधे बनाएंगे, धागा अपनी साइड करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे और एक ये लास्ट का फंदा। अब आते हैं अपनी थर्ड रो उल्टी साइड। ये फंदा ऐसे ही लेंगे, उसके बाद दो फंदे सीधे, चार फंदे उल्टे, एक दो तीन और ये जाली वाला चार। अब धागा पीछे करेंगे, ये एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी साइड करेंगे, जाली वाले फंदे सहित चार फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार। धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी साइड करेंगे, चार फंदे जो हैं उल्टे बनाएंगे, ये जाली वाला भी। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, चार फंदे उल्टे, दो तीन चार। धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी साइड, चार फंदे उल्टे, एक दो तीन और एक ये जाली वाला चार। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार। धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी साइड और एक ये लास्ट का फंदा उल्टा। अब आते हैं अपनी फोर्थ रो पर सीधी साइड। ये देखिए फोर्थ रो है सीधी साइड। अब ध्यान से देखिएगा, चार सिलाइयों का ही डिज़ाइन है ये, अपना फोर्थ रो का ही डिज़ाइन है। दो फंदे ये उल्टे ही लेंगे, उसके बाद धागा पीछे करेंगे। अब ये एक दो तीन, तीसरे वाला फंदा जो है हमने ऐसे सिलाई में लेना है और इन दोनों को निकालना है, इन दोनों को पीछे लेके जाना है फंदों को, और ये वाला फंदा जो है हमने आगे ला करके इस तरह से सीधा बना देना है ऐसे। फिर आगे के ये दो फंदे सीधे बनाए, फिर ये जाली वाला फंदा भी हम सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, जाली वाला फंदा सीधा बनाएंगे। अब ये वाला फंदा पीछे जाएगा और ये दोनों आगे आएंगे, तो पीछे की साइड से दो फंदे, जैसे हम केबल में पलटते हैं फंदे वैसे ही पलटने हैं, ये दो फंदे हम आगे लाएंगे और ये पीछे लेके जाएंगे। तो इसको इस तरह से ऐसे ले जाएंगे पीछे और ये दो फंदे आगे ला करके सीधा बना देंगे, एक दो। अब ये वाला फंदा बनाएंगे, देखिए ऐसे, ये हमारे ये इस तरह से हमारी ये आ जाएगी। अब दो फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, एक दो। धागा पीछे करेंगे, दो फंदे, ये देखिए ये दो फंदे हैं, इसमें से ये तीसरे वाला फंदा हमने आगे लाना है और इनको पीछे ले जा करके
इस तरह से सीधा बिन देना है, ऐसे एक दो तीन, और ये जाली वाला भी फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, जाली वाला फंदा सीधा बनाएंगे। अब ये दो फंदे आगे लाने हैं, तो पीछे की साइड से, ये देखिए पीछे की साइड से इस तरह से सिलाई में लेंगे इन फंदों को, और ये वाला फंदा हम पीछे ले जाएंगे एक, और इन दोनों को आगे ला करके तीनों फंदे हमने ऐसे सीधे बना देने हैं, एक दो और ये तीन, ये देखिए। फिर धागा अपनी साइड करेंगे, फिर दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से ये वाला फंदा हमने आगे लाना है, तो इसको इस तरह से सिलाई में लेंगे, इन फंदों को निकालेंगे दोनों को, और ऐसे पीछे ले जाएंगे, और इसको आगे ला करके इस तरह से सीधा बना लेंगे, और ये दो फंदे सीधे बनाएंगे, फिर एक ये जाली वाला सीधा बनाएंगे, धागा अपनी साइड करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, जाली वाला फंदा सीधा बनाएंगे। अब ये दो फंदे आगे लाने हैं और इसको पीछे ले जाना है, तो ये पीछे की साइड से दोनों फंदों को इस तरह से लेंगे सिलाई में, और इनको ऐसे ला करके आगे तीनों को सीधा बना लेंगे, एक दो तीन, धागा अपनी साइड करेंगे। अब ये दो फंदे उल्टे बनाएंगे लास्ट के, और एक ये लास्ट का फंदा। अब ये इन्हीं चार सिलाइयों का डिज़ाइन है, ये इन्हीं चार सिलाइयों को आप अपने पैटर्न पर रिपीट करते जाइए, और इस डिज़ाइन को इस तरह से बनाइए। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत सुंदर डिज़ाइन है। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय।